सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों बुर्का? क्यों बुर्का अलाउ नहीं है? कौन सा मैम, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब है बुर्का अलाउ नहीं है बड़े, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसकी तो कौन सी गाइडलाइन है वो मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को ताकि अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ आप कौन सी है। अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो मुझे जो अलाउ नहीं लिखा हुआ यहाँ अलाउ नहीं है वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुर्का यहाँ अलाउ नहीं है। कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता मैं, मनीष साहब जी अगर अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से कोई। हाँ ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी है जहाँ बुर्का अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है बताइए। बुर्का कहाँ अलाउ है, कौन सा बैंक में अलाउ? मैं फर्स्ट बैंक में आई हूँ, यहाँ पे बुर्का अलाउ नहीं है, ऐसा क्यों अलाउ नहीं है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो, ये आप बैंक की प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। क्या प्रॉपर्टी कर सकती हूँ मैं? आप अलाउ नहीं है बैंक में। नहीं तो फिर आप ये भी अलाउ नहीं की बुर्का वाला क्यों नहीं अलाउ नहीं है बुर्के में? बुर्के में आ रहे हैं, कोई मना नहीं करे, पर मना किया है मेरे को गार्ड ने, आप इनसे पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुर्का अलाउ नहीं है। आप ये बंद करेंगे? नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, पहले मुझे बताएं। नहीं क्यों, तो बंद क्यों आप जवाब नहीं कर सकते? आप बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते? तो फिर हमें बैंक में बुर्के में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? तो नहीं तो आप मुझे बताएं ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है आप बता दीजिए मुझे कि बुर्का कहाँ अलाउ नहीं है। देखो मैडम ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप बैंक। कैसे नहीं कर सकते? तो आप भी बुर्के में मना नहीं कर सकते? मना नहीं कर रहे किसी को, मना ही किया, पूछे ना इन्होंने लंच के टाइम के लिए, लंच में। अच्छा लंच के अंदर बुर्के में अलाउ नहीं है? नहीं किसी को अलाउ नहीं है, मैं ये नहीं कर। अंदर बैठे थे, मैंने देखा था, मुझे बाहर जाते ही लॉक हुआ है। आप बैठे थे ना? हाँ। तो खाना खा रहे थे जी? तो खाना खा रहे थे आप बैठे थे, आपको मना किया था? फिर मैं बाहर जाती लॉक कैसे हुआ? नहीं ना लॉक नहीं है, लॉन्च इसलिए कर रहे थे हम खाना खाने बैठे थे। लॉक मैं बाहर गई तब हुआ आपसे है। लॉक से मतलब नहीं है, अंदर भी तो बैठे थे लोग, बैठे थे ना? हाँ। तो उससे फिर मैं बाहर गई तब लॉक, आपसे बाहर जाने का मतलब नहीं है, मेरे को बाहर जाते ही लॉक हुआ है। ऐसे कौन से बैंक में लंच के अंदर लॉक नहीं होता? बैंक कौन से बैंक में होता है ऐसा लॉक अंदर से? जो कस्टमर आता है आके बैठता है वहाँ पे, वेटिंग एरिया में बैठता है वो आगे बैठता है मैडम, जब खाना खा रहे होते हैं तो इसलिए बंद कर देते हैं कि कोई किसी भी बैंक। मैं बाहर गई तभी लॉक हुआ है ये। आपका मतलब नहीं था, आपका ये था कि आपका काम हो गया आप चले गए? मेरा काम नहीं हुआ था, उन्होंने बोला कि आप वेट करें, उन्होंने बोला आप वेट करें। क्यों कई बार बैठे थे? मैं मेरे साथ में बुलाने गई थी किसी को, मैं किसी भी काम से जाऊँ तो आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे आप। हमें पता नहीं आप किस काम से गई थी, आप बैठे थे, हमने लंच में पहली बार लंच में बैंक लॉक नहीं होता है इतना तो मुझे भी पता है, इसलिए लॉक होता है कि सब कस्टमर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अगर मान लो चलो आप ठीक है, कोई भी अनवांछित कस्टमर आ गया है, कोई आ गया किसी भी तरह का कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी कुछ लूट बाट चले जाए, कौन जिम्मेदार? अच्छा ऐसा तो कोई भी नहीं है, फिर अगले आधे कस्टमर अंदर बैठेंगे और आधे बाहर रहेंगे। देखो मैडम एक तो ये कस्टमर ये बंद करो, आप ये अलाउ नहीं है। नहीं मैं बंद नहीं करूंगी इसको। एक चीज और जी, आप इसे क्यों अपने ऊपर ले रहे हो कि आप ही जाते हैं लोग को? ठीक है फोटो लगाओ तो आपका काम हो गया, या आप बाहर जा रहे हो इसलिए फोटो लगा भाई गार्ड सर को, मैं 2:30 के बाद अब वो अपने आप ओपन कर देते, इसलिए लोग अपने ऊपर मत लो कि मेरा कोई आने के बाद ही बंद हुआ है। वो इसलिए हुआ कि आप मतलब आप जा रहे हो इसलिए मैं लोग कर देता हूँ, तो और भी अंदर और भी कस्टमर बैठे थे, फिर उनको नहीं पता कि निकाल जाएंगे गेट बंद। अरे तो वो अपना काम करवा के जाएंगे ना, तो उससे पहले तो लॉक खुला हुआ ही था, मेरे को जाते कैसे बंद हो गया? तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हो कि आपको? उसने पहले से लंच चल रहा था मैडम, मैं बता रही हूँ, वो पहले से बैठे थे कस्टमर, मैं भी आई थी। हाँ आपने कुछ नहीं बोला ना, लॉक नहीं था, मेरे को जाते ही लॉक हो गया गेट। वो मेरे से पहले चले गए थे अंदर, इसलिए नहीं किया था उस टाइम, इसलिए खुला हुआ था क्योंकि सर बाहर गए थे अपने ऊपर, ऐसे मतलब गुर्खा में अलावा बैंक के अंदर ऐसे नहीं जाना होता, बस ऐसे मना नहीं करते कि आगे बैंक से आने नहीं देते। मैं उस बैंक में आपको दिखाने को तो कहेंगे ना, वो वहाँ आने के बाद आपको एंट्री नहीं मिली। पहले मेरी बात सुनो जी, बोलिए। सपोज अगर आप समय कैश विड्रॉल के लिए किसी काम के लिए आ रहे हो, ठीक है मैं मानती हूँ कि उनकी गलती है, वो जेंट्स नहीं बोल सकते जी, लेकिन अगर आपको मेरे को आपको वेरीफाई करना है इन पर्सन कि आप हो या नहीं हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर पे आने के बाद बोल सकती, आप मुझे गेट पे वो मैं आया उतार के आया आप अंदर, वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए मैं सॉरी गलती हूँ, सॉरी बोले। क्या बोला? उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में ही नहीं है अंदर बुक
उसका पेन नहीं, तो मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ। बस भाई गलती होगी कि वो जेंट्स होके उन्होंने बोल दिया, बट अगर जेंट्स होने की बात नहीं है, बात उन्होंने बोला कि आप अच्छा लगा आए इन पर्सन, अगर आपको मुझे वेरीफाई करना है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे वेरीफाई करते हैं, मैं काउंटर पे आके बोलते कि हमें आपको वो बोल रहे हैं, वो गलती होगी मैं वहां दिखाती हूँ आपको, लेकिन आप आगे मैं सॉरी बोल रही हूँ। अब इस चीज को इतना वो मत कीजिए आप।